दुबई की शहजादी शेखा माहरा, ये नाम अभी इंटरनेट पर जो है आग की तरह वायरल हो रहा है। कौन है शेखा माहरा? वो लेडी जिन्होंने अपने पति को इंस्टाग्राम पर तलाक दिया है। उन्होंने इसलिए तलाक दिया क्योंकि उनके पति उनके साथ टाइम नहीं बिता पा रहे थे। उन पर ये आरोप लगे हैं कि वो अपनी दूसरी पत्नियों के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो जी हाँ, शेखा माहरा ने अपने पति को इंस्टाग्राम पर लिख दिया कि मैं आपको तलाक दे रही हूँ, और इस वजह से जो है बहुत चर्चा में। आमतौर पर इस्लामिक समाज में देखा जाता है कि अक्सर पति पत्नी को तलाक देते हैं, लेकिन शेखा माहरा ने अपने पति को खुला तलाक किया है, खुद को इस शादी से आज़ाद कर लिया है। 2 महीने पहले वो माँ बनी थी, 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। जब यूएई की शहजादी ने शादी की तो इसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। शेखा माहरा बहुत ही खूबसूरत है, उनकी तुलना जो है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से होती है। उनको एक बहुत, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वहाँ दुबई में बहुत बड़ी सोशलाइट है। शेखा माहरा के आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वो घुड़सवारी की शौकीन हैं। शेखा माहरा के बारे में एक बात ये भी है कि वो 26 भाई बहन हैं। जी हाँ, 26 यूएई के जो शेख हैं, यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रासिद अल मक्तूम की बेटी हैं शेखा माहरा। शेख माहरा के पिता मोहम्मद बिन रासिद अल मक्तूम ने 7 शादियां की। 2023 तक उन्होंने अपनी पहली पत्नी शेखा हिंद बिंत मक्तूम को छोड़कर सभी पत्नियों से तलाक ले लिया। मोहम्मद और हिंद ने 1979 में शादी की। ये जोड़ा चचेरे भाई बहन है और इनके 12 बच्चे हैं। 7 शादियों से शेखा माहरा के पिता को 26 बच्चे हुए। शेखा माहरा की माँ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की 6ठी पत्नी थी। उनका नाम जो गिग्रोरा कोस है। शेख मोहम्मद बिन राशिद और उनकी ग्रीक वाइफ से एक ही संतान शेखा माहरा हुई। शेखा माहरा के उनकी माँ के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है। ये बात अलग है कि वो रहती दुबई में ही है। 26 भाई बहन हैं जिनमें से शेखा माहरा भी एक थी, और पिछले साल इनकी शादी हुई थी शेख माना के साथ। अमीर परिवार में उनकी शादी हुई थी और अच्छी लाइफ जी रही थी। उनके सोशल मीडिया को देखकर पता चलता है कि कितनी लग्जरी लाइफ वो जी रही थी। लेकिन अचानक से शेखा माहरा को माँ बनने के 2 महीने बाद ये महसूस हुआ कि उनके पति जो है उन पर ध्यान नहीं दे रहे, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने तलाक का ऐलान किया, जो कि लोगों को इससे जो है लोग काफ़ी चौंके हुए हैं और उनकी इस वजह से काफ़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि ये पहला इंस्टाग्राम तलाक किसी सेलिब्रिटी का देखने को मिल रहा है कि किसी सेलिब्रिटी ने इंस्टाग्राम पर अपने पति को तलाक दिया। शेखा माहरा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो शेखा माहरा का जन्म 26 फरवरी 1994 को यूएई के दुबई में हुआ। वो फिलहाल 30 साल की हैं। शेखा माहरा की जड़ें जो हैं अमीरात और ग्रीक से हैं, क्योंकि उनकी माँ जो हैं वो ग्रीक हैं, वो ग्रीस की रहने वाली हैं, और शेखा माहरा के पिता जो हैं वो दुबई के शेख हैं, बहुत बड़े शख्सियत हैं दुबई के। वो उपराष्ट्रपति हैं, शासक हैं, रक्षा मंत्री भी हैं। तो शेखा माहरा जो हैं बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने जी, भले ही वो 26 भाई बहन हैं, उनके पिता ने कई शादियाँ की, उनकी माँ को भी उनके पिता तलाक दे चुके हैं। और शेखा माहरा की शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई हुई वो दुबई के प्राइवेट स्कूल में हुई, बहुत महंगा प्राइवेट स्कूल था। इसके बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए लंदन चली गई। उन्होंने ब्रिटेन में इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री हासिल की, और मोहम्मद बिन राशिद सरकारी प्रशासन से उन्होंने कॉलेज की भी डिग्री ली। शेखा माहरा अपने सोशल वर्क के लिए भी जानी जाती हैं, महिला सशक्तिकरण की वकालत करती हैं। दुबई के जो लोकल डिज़ाइनर्स हैं उनके समर्थन के लिए वो मशहूर हैं। घुड़सवारी की शौकीन हैं और कई घुड़सवारी कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेती हैं। आप उनके जब इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी उनके इस तरह के वीडियोज़ जो हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। शेखा माहरा ने मई 2023 में शेख माना बिन मोहम्मद के साथ शादी की थी, और शादी के 5 महीने बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था, और इसी 2 महीने पहले वो माँ बनी। उनके पति भी तब तस्वीर में दिख रहे थे, लेकिन अब शेखा माहरा ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की, पति की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। कुछ महीने पहले उनका बेबी शावर भी हुआ था, उससे पहले उनका बर्थडे मनाया गया था। वो तमाम तस्वीरें उनके सोशल मीडिया पेज से गायब हैं, और अभी उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी के साथ एक तस्वीर शेयर की और उसमें लिखा है सिर्फ हम दो। जी हाँ, ये उनका लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट है। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, पति को तलाक देते हुए शेखा माहरा ने ये कहा था,
प्रिय पति, आप दूसरे साथियों के साथ व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। ध्यान रखिए, आपकी पूर्व पत्नी। तलाक के ऐलान के बाद कपल ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। शेखा महारा ने एक दिन पहले अपने तलाक का ऐलान किया है और आपको बता दें उन्होंने अपने पति पर ये आरोप लगाए हैं कि उनके पति के किसी और महिलाओं के साथ संबंध हैं और इस वजह से उन्होंने उनसे तलाक लिया। उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। पत्नी को यह बात पता चल गई और उसके बाद उन्होंने अपने पति को तलाक दिया, खुला तलाक दिया। ठीक वैसा ही तलाक जैसे सानिया मिर्जा ने अपने क्रिकेटर पति, पाकिस्तानी पति शोएब मलिक को दिया था। ये खुला तलाक होता है जो इस्लाम में महिलाओं को देने का हक होता है। अगर वो अपने पति के साथ खुश नहीं है तो वह अपनी तरफ से भी खुला तलाक ले सकती हैं और यही शेखा महारा ने किया है। और इस वजह से शेखा महारा की काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप उठाया है, उन्होंने खुद अपने पति को छोड़ा है। तो शेखा महारा की इस वजह से तारीफ हो रही है क्योंकि हमेशा ही उनकी जो छवि है यूएई में एक बोल्ड महिला की रही है, एक प्रोग्रेसिव सोच वाली महिला की रही है और यही उन्होंने अपनी शादी में भी दिखाया है कि जब उनको लगा कि उनका पति उनके साथ बेवफाई कर रहा है तो उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। शेखा महारा के पति शेख बिन मोहम्मद राशिद जो हैं वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यूएई में बहुत पैसा है और इसके अलावा वो GCI रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के मालिक हैं। MM ग्रुप ऑफ कंपनीज में उनकी है, दुबई टेक ऑफ अल बर्दा ट्रेडिंग उनकी कंपनी है। तो उनकी कुल संपत्ति $1.5 बिलियन आंकी गई है। तो काफ़ी अमीर परिवार में खुद वो पैदा हुई, 26 भाई बहन उनके, और इसके बाद उनकी शादी भी हुई तो दुबई के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई। पैसों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा वो एक ऐसे रिश्ते में क्यों रहें जहाँ उनके पति उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं। दुबई की राजकुमारी शेखा महारा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो उस समय ये खबर आई थी कि दुबई की राजकुमारी शेखा महारा जो है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे सुलेमान को पसंद करती थी और ब्रिटेन में दोनों की मुलाकात हुई थी और वो उनके साथ शादी तक करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को ये रिश्ता बहुत पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने दुबई के एक बिजनेसमैन से शादी की। लेकिन अफसोस, शादी के एक साल बाद ही शेखा महारा ने अपने पति को तलाक दे दिया।